पंजवें पातशाह जी वालों दिती गई शहादत सिख कौम लई ओह शक्ति बन के उभरी, जिस तो अगवाई लैके सिख पंथ ने शहादतां दी एक अजिही लड़ी सिरजी जिसका दुनिया के धार्मिक इतिहास अंदर होर कोई मुकाबला नहीं कर सकिया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने जदों सिख कौम नूं जथेबंद करन दीआं तैयारियां आरंभियां तां बादशाह जहांगीर दी धार्मिक कट्टरता सिखर ते पुज गई। इस तरह श्री गुरु अर्जन देव जी का पूर्ण जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा, पर शांति दे सागर निम्रता दे पुंज परोपकारी सतगुरां ने अजिहे कठिनाइयां भरे समय विच भी सिख धर्म के विकास लई अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिता। श्री गुरु अर्जन देव जी साहिब जी की शहीदी दे अनेक कारण मन्ने जांदे हन, पर असल कारण बादशाह जहांगीर की धार्मिक कट्टरता अते तंग दिली सी। बाकी सारे कारण सहायक सिद्ध होए। असल विच जहांगीर मौके की भाल विच सी कि कदों कोई बहाना मिले तो वह सिख लहर नूं खत्म कर देवे, ते उन्हां दे मुखी श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी नूं जां तां मुसलमान बना देवे जां शहीद कर देवे। इस गल दा जिकर वह अपनी सवे जीवनी तुझके जहांगीरी विच भी करता है। उसनू बहाने की तलाश सी अते वह उसनू खुसरो की बगावत विचों मिली। जहांगीर ने गुरु साहिब जी नू यासा ए सियासत अधीन सजा दिती, जिस तो भाव है कि तसीहे दे के मारना। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिहाड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्रद्धा भावना नाल गुरद्वारा श्री रामसर साहिब विखे मनाया गया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए, ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे हजूरी रागी भाई निर्मल सिंह दे जथे वालों इलाही बाणी का कीर्तन किया गया। अरदास भाई बलविंदर सिंह कालके ने की। दसनयोग है कि करोना वायरस कारण पंचम पातशाह जी दे शहीदी दिहाड़े मौके संगतां इकट्ठ नहीं किया गया अते इस मौके सकत्रेत रूप विच ही समागम किया गया। बीते कल श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल अते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगतां नूं अपील की कि शहीदी दिहाड़े मौके संगतां आपो अपने घरां विच ही पाठ करके अरदास करन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज सतगुरु गुरु अर्जन देव जी का शहादत वाला दिहाड़ा है, जिन्होंने नरोल सिखी सिद्धांत लई तत्ती तवी ते बैठ के सीस च रेता पवा के उबलदी डेग विच बैठ के परमात्मा दे भाणे नूं खिड़े मत्थे स्वीकार किया, जिन्होंने सानू गुरबाणी दिती, हरिमंदर साहिब दिता, गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप दिता, तरन तारण साहिब दिता, जिन्हां ने सिखां दी झोली च कीर्तन पाया, उन्हां दे शहादत दिहाड़े नूं कोट कोट नमस्कार। वाहिगुरू जी का। अज गुरपुरब भी हैगा, की कहना चाहोगे? अज मत्था टेकण वास्ते हरिमंदर साहिब पहुंचे, बहुत वधिया लग्गा। अच्छा तां हुण हाजर हो रही है जी, ते रस्ते विच कुछ प्रॉब्लम्स आईयां होणगे मत्था टेकण वास्ते, कोई पुलिस ने प्रशासन नूं रोकिया होवे? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी जी। ते अंदर दर्शन मिले? दर्शन मिले, बहुत वधिया, चैक करके जान रहे अंदर, वारी वारी मत्था टेकवा रहे हैं, बहुत वधिया महाराज दर्शन होए। की समझ अज गुरपुरब हैगा आ, संगत अज आमद घट है, क्योंकि वो गलत नहीं बनी जी बननी चाहिए, पर फिर भी संगत पूरे रंग कटिया कर। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत मज़ा आया जी हरिमंदर साहब के दर्शन करके, बहुत ही मज़ा आया जी, बहुत सोहना, कोई रुकावट नहीं आई अपने रस्ते दे। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले समझते हो कि जो रश है वो बहुत घट है? बहुत ज़्यादा घट है जी, बहुत ज़्यादा घट, संगत पढ़ी लिखी है जाती घट है जी, करोना वायरस के करके बहुत संगत डरती घट आ रही है जी। पुलिस प्रशासन का किस तरह का रोल है रस्ते दे विच, क्योंकि क्या ही आ रहा है कि रोकया भी जा रहा है रस्ते दे विच? पुलिस प्रशासन बहुत सोहनी ड्यूटी कर रहा जी अपनी, वो तो सारे नूं कहना भी अपने घर जाके नाम जपो ते अपने माँ बाप की सेवा करो, बहुत वधिया ड्यूटी कर रहे हैं मुलाजम। अंदर ठंडे मिठे जल की छबील लगी नहीं? वो नहीं वेखी जी, अपना लंगर छक के आए जी,
जल सकते हैं। अरदास सरबत के भले वास्ते की जी, शरीर की तंदुरुस्ती वास्ते की आ, तो महाराज के अगे अरदास की है, महाराज जो करोना वायरस जहाँ चलिया इन भजाओ जी। सुखदेव सिंह जी, हाँ जी, की कहना चाहते हो? बस महाराज के घर आए हैं जी, लुक लिए महाराज के घर आए, दर्शन किए, बहुत सुकून होया मन। अमृतसर के काफ़ी केस वध रहे हैं, अस गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा वा, उन्होंने संपर्क रखते हुए महाराज के दर्शन किए। श्री गुरु अर्जन देव जी का पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म दिहाड़ा है। अज के दिन ठंडिया मिठिया पानी दिया छबीलां लगदिया हैं, तो जदों के इत्थे दरबार साहब बड़ी वीरानगी अजे भी वेखन नूं मिल रही है, इन्ना रश नहीं मिल रहा, तो मन में बड़ा दुख हुंदा वा ये चीज़ देख के। हर जगह जगह तो पूरे अमृतसर च पूरे तरन तारण शहर में ठंडे मिठे जल दियां छबीलां लगदियां ही, मतलब दुध दियां छबीलां भी लगदियां ही। अज तत्ती तवी ते बैठे वो गुरु अर्जन देव जी तपस्या कर रहे सी, जदों के उन्होंने वाहिगुरु का उच्चारण मूँह चों जपजी साहब का पाठ, तो दुनिया मतलब अज के दिन जो उन्होंने कर के दुनिया नू विखाया, कोई भी गुरु मतलब धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी उ जो इन्ना वधिया उन्होंने मतलब प्रचार दुनिया वास्ते एक साफ छड़ गया। ते सारी संगत नू बेनती हैगी कि परमात्मा की कृपा नाल सब अपने आप नू सेफ रखन, खुशहाल रहन, तंदुरुस्त रहन। वाहेगुरु। मैं संगत को सिर्फ एक बेनती करांगा कि अपनी सुरक्षा ते सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो, वाहिगुरु की मेहर है, ते अपने ते अपने परिवारजना ते सुरक्षा बारे सब तो वध ध्यान दिओ हर समय ते। आपां मिल के ये सब सिचुएशन तो निकलना है, अगे उभरना है, ते परमात्मा की कृपा नाल आपां जरूर इस लड़ाई नू जितांगे, बस थोड़ा एहतियात वरतन की लोड़ हैगी। दर्शन करके तुसीं आए किदां मानदे हो? बड़ी परमात्मा की कृपा है, वाहेगुरु की मेहर है, बड़ा ही मन में सुकून पहुँचा है। यही कह कि परमात्मा की मेहर न सब साध संगत सब अमृतसर ते पंजाब के सब वासियों ते परमात्मा अपना मेहरा पर हाथ हमेशा बनाए रखन। सब लोगों को कहना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग अब दर्शन करने दरबार साहब आ रहे हैं, उन्होंने पुलिस वालों रोकया भी जा रहा, उन्होंने की अपील करना चाहते हैं? मैं यही उन्होंने अपील करांगा कि वो अपना ध्यान रखन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करन, ते परमात्मा दी कृपा नाल इस महामारी तो आपा सबनों बचन की बड़ी जरूरत है।